लगता भारतीय टीम को सामने यशस्वी जसपाल। ओह बड़े शॉट के लिए गए जरूर है, बिल्कुल भी टाइम कर नहीं पाए, सामने फील्डर अच्छा कैच और भारतीय टीम को लगता हुआ बहुत बड़ा झटका, और ये झटका कहीं ना कहीं भारत के लिए हार का सबक हो सकता है। नहीं कर पाए टाइम, चार बालों पे पांच रन, खराब शुरुआत यशस्वी जायसवाल के द्वारा, नहीं चला आज बल्ला। 17 बॉल 78 रन भारतीय टीम, ऋतुराज गायकवाड़ को स्ट्राइक मिल गई है। जी हाँ, ऋतुराज आज कुछ अलग ही करते हुए, और ऋतु की बारिश कर दी है यहाँ पे छक्कों की बारिश। भारतीय टीम 46 रन एक विकेट के नुकसान पे, ऋतुराज गायकवाड़ कमाल की बल्लेबाजी, बेहतरीन शॉट कमाल करते हुए इस मुकाबले में। क्या एक और छक्का यहाँ पे, क्या बात है, यहाँ पे 46 रन एक विकेट के नुकसान पे। तीसरा ओवर चलता हुआ, अभी भी बड़े बड़े छक्कों की आवश्यकता, लेकर नीचे भी छक्कों, जी हाँ इस बार थोड़ा सा रिस्की शॉट जरूर था, नीचे फील्डर थे लेकिन उनके सिर के ऊपर से डीप एक्स्ट्रा कवर में, और ये शॉट बिल्कुल जमीन से खोद के निकाला ऋतुराज गायकवाड़ ने, लगातार दो छक्के। हालांकि फील्डर था, रिस्की शॉट था, लेकिन रिस्क तो उठाना पड़ेगा भारतीय टीम को। 52 रन कंप्लीट करती हुई भारतीय टीम एक बार फिर से, क्या ये भी 6 रन, फील्डर तो है नहीं, मिनिमम 4 रन तो मिलने ही थे, और इसी बीच 12 बालों पे 53 रन ऋतुराज गायकवाड़, 7 छक्के 2 चौके, मैच का पासा पलट तो इस मुकाबले में, क्या बात है, मैच का पूरा पासा पलट दिया है ऋतुराज गायकवाड़ ने। ऋतुराज 14 बालों पे 60 रन, क्या भारतीय टीम बना पाएगी। बॉल रहेगा, 3 बॉल पे 3 छक्के लगाए हैं, चौथी बॉल पर भी गए हैं, लेकिन इस बार छक्का जरूर मिलेगा। ये तो ऋतुराज गायकवाड़ है, आज आग उगलते हुए अकेला इकलौता ऐसा बल्लेबाज को सामने टक्कर मुकाबला करते हुआ पाकिस्तान की टीम का, और चारों खाने चित्त करता हुआ लगातार और मजबूर करते हुए पाकिस्तान के कप्तान को कैसे रणनीतियों पे परिवर्तन करा जाए। 13 बॉल पे 54 रन ऋतुराज गायकवाड़, जाते जाते अंतिम बॉल पे भी लगाया है बड़ा शॉट, हालांकि मिलेगा 4 रन, और 3 ओवर की समाप्ति के